हेलो गाइस, कैसे हो? और हम लोग खेल लेते GTA 5 ऑनलाइन, तो शुरू करते हैं। तो फिर गेम आती है बाउंटिंग हंटिंग की, जिससे हम लोग आराम से पैसा कमा सकते हैं। बस हम लोग को मैप ओपन करना होगा और M नाम के आइकन को सेलेक्ट करना होगा और उस जगह जल्दी से पहुंचना होगा। हम लोग को किस टाइप का मिशन मिलेंगे, किसको पकड़ना होगा या तो किसको मारना होगा, तो ये तो वहीं जाके पता चलेगा। तो हम लोग आ चुके हैं लगभग उस एरिया में और देखते हैं कौन है, कि मैम है या सर है जो हम लोग को ये मिशन देंगे। तो यहाँ पे आते ही यू हैव एक नोटिफिकेशन आ गया मैसेज का, मॉडे का। तो ये है एक लेडी मॉडे मॉडे, थोड़ा नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। इनको हम लोग बोलेंगे लेडी एम। लेडी एम ने हम लोग को एक मैसेज भेजा है बाउंटी हंटिंग का, आर यू इंटरेस्टेड। तो हम लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज में ये लिखा था कि जिसको हम वो बोलेगी बाउंटी हंटिंग करने के लिए, या तो हम लोग उसको मार सकते हैं या तो उसको पकड़ के लेडी एम को देना होगा, जिससे हम लोग को रिवॉर्ड और RP मिलेंगे। तो जैसा कि लेडी एम ने कहा था कि वो अपना जैसे इसको क्लू मिलेगा तो वो हम लोग को मेल करेगी, और उसने हम लोग को पहला मिशन मेल कर दिया है। तो हम लोग को इस टकले वाले बंदे को हंट करना है इसको, और इसको या तो मार सकते हैं या तो लेडी एम के पास जाकर उसको छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या मूड बनता है हम लोग का। तो लेडी एम ने हम लोग को उसका लोकेशन मैप में लगा दिया है, चलते हैं उस लोकेशन में और देखते हैं वो किधर छुपा है वो टकला। हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन में और इसी सर्कल में वो इंसान होगा टकला। तो यहाँ पे घंटी बजी है, शायद ऊपर होगा वो, कहीं पे चोरी कर रहा होगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको ले जाके लेडी एम को सौंपते हैं, और देखते हैं लेडी एम उसको देने के बाद कितना डॉलर हम लोग को देती है। ये रहा, कहाँ भाग रहा है? ले मुक्के, ले लात। कहाँ भागेगा तेरी भैंस यार? ले बाल, ले लात, ले मुक्के, ले मुक्के, ले ले, आओ मरा, आओ मरा। और इसको मार मार के हम लोग ने सब भूसा निकाल दिया। कैसे मेरे को मारा यार है? तो इसको मार मार के समझा दिया, अगर ये भागेगा तो इसका टकला बजा दूंगा मैं, चुपचाप से गाड़ी में बैठ जा। और ये एकदम हम लोग की बात सुन रहा है। चलते हैं लेडी एम के पास इसको देने के लिए। लोग आ चुके हैं लेडी एम के पास, तो फटाफट से इनको हैंड ओवर करते हैं और देखते हैं लेडी एम हम लोग को कितना डॉलर देती हैं बाउंटी हंटिंग के। तो लेडी एम ने हम लोग को फिर एक मेल किया है, देखते हैं कौन है इस बार। पकड़ो यार। हाँ, तो ये एक लड़की है जिसको हम लोग को हंट करना होगा। इसकी लोकेशन लेडी एम ने मैप में बता दिया है कोऑर्डिनेट्स के। तो इस एरिया येलो सर्कल में इस ये लड़की हम लोग को मिलेगी। तो चलते हैं जल्दी से इस एरिया में और उसको भी हंट करके, उसको भी 4-5 घूसे मुलात मार के उसको भी लेडी एम को देते हैं। हम लोग आ चुके हैं उस येलो सर्कल के राउंड के अंदर, तो जहाँ पे हम लोग को ये लड़की दिखेगी। तो देखते हैं स्ट्रीट पे, इधर नहीं है, इधर दिख ही नहीं रही है, आगे इधर भी नहीं है, और उस तरफ देखते हैं एक मिनट, उधर भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। वो रही, वो पिलर के साथ खड़ी हुई है, अपने मोबाइल चला रही है। तो चलते हैं, उसको 3-4 घूसे भी मारते हैं और उसको भी समझाते हैं। तो उसके पास आने पर ये खुद ही हम लोग को अटैक करने लगी। तो मारते हैं फटाफट, ये लो, ये लात लो, ये मुक्के लो, ये लात लो, ये मुक्के लो, एक और मुक्के लो, एक लात। तो इतने मारने के बाद ये खुद
सरेंडर कर दी और बोल रही है कि आई विल गो विथ यू टू लेडी एम। तो हम लोग ने उसको बोल दिया है कि चुपचाप से आगे गाड़ी में बैठ जाओ और कुछ भी हरकत किया तो तुमको शूट कर देंगे उधर ही और तुम खलास हो जाओगी उधर ही। तो हम लोग आ चुके हैं लेडी एम के पास, तो इसको भी जल्दी से लेडी एम को सौंपते हैं और देखते हैं लेडी एम हम लोग कितना डॉलर देती है। पहुँच गया है लगभग। लड़की को लेडी एम को हवाले करते हुए और लेडी एम ने हम लोग को दिए $10,000 ईजिली। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, बस 3-4 घूसे मारने पड़े और $10,000 हमारे पॉकेट में। लेडी एम ने फिर से हम लोग को एक मेल भेजा है, देखते हैं किस बंदे को हम लोग को हंट करना है इस बार। तो इस बार इस बंदे को हम लोग को हंट करना है और पकड़ के लेडी एम के पास ले जाना होगा वापस। इसकी लोकेशन लेडी एम ने मैप में बता दिया है, तो इस लेफ्ट कॉर्नर में येलो रंग का सर्कल, इधर जाना है हम लोग को। तो जल्दी से चलते हैं और इसको भी 3-4 घूसे लात मार के अपने काबू में करते हैं और फिर इसको भी लेडी एम को सौंप देते हैं और देखते हैं कि लेडी एम हम लोग को उसका कितना देती है। हम लोग पहुंच चुके हैं इस येलो सर्कल के अंदर और सर्च करते हैं किधर वो है, तो अभी तक तो दिख नहीं रहा है। तो ये ऑटोमेटिक हम लोग को मारने के लिए दौड़ के इधर आ रहा है, मतलब ये कुछ पावरफुल हो सकता है। तो इसको भी फटाफट से 3-4 घूसे मारते हैं, लात मारते हैं और इसको भी अपने अंडर में लेते हैं। तो ये हम लोग के अंडर में हो गया और इससे बात कर लिया है कि अगर ये कुछ भागेगा तो इसको गोली मार देंगे। तो ये अपने अंदर आ गया है, बोल रहा है जो कहोगे वो करेंगे। चलते हैं लेडी एम के पास। ये क्या हुआ, इस बंदे ने कार में से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग इसका हंट कर रहे हैं और पुलिस हम लोग के पीछे पड़ गई है। तो पुलिस से जल्दी जल्दी बचते हैं, इसको तो मैं गोली मार दूंगा। ये धोखेबाज निकला, झूठ बोल दिया हम लोग से कि हम तुम्हारी बात मानेंगे और कार में से ही फ़ोन कर दिया पुलिस को, ये मरेगा मेरे हाथ से। हम लोग को हो गए थे एक्सीडेंट, कार पानी में डूब गई और कहाँ गया साला, इसको फिर से गोली से उड़ा देंगे। कहता किया दिख नहीं रहा, पीछे ये रहा। अब तुमने पुलिस को फ़ोन किया और कुछ भी होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तो इसी बात से इसने कहा ओके मैं अब कुछ नहीं करूँगा, जो चलते हैं लेडी एम के पास। तो जल्दी से हम लोग एक गाड़ी लेते हैं, जल्दी से चलते हैं लेडी एम के पास। इसका कोई भरोसा नहीं है, फिर पुलिस को फ़ोन कर सकता है। तो इस बार तो उसने बोला मैं नहीं करूँगा और पक्का वादा किया है, तो इसका कोई भरोसा नहीं। तो फटाफट लेडी एम के पास चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं लेडी एम के पास और इनको हवाले करते हैं और इस पागल आदमी से छुटकारा पाते हैं। तो हम लोग ने इस बंदे को लेडी एम के हवाले कर दिया, बोल दिया ये बहुत कमीना टाइप का बंदा है, पुलिस को फ़ोन करता है। तो लेडी एम ने बोला कोई बात नहीं, मैं उसको संभाल लूँगा। और लेडी एम ने हम लोग को दिया $10,000 बहुत इजी से, लेकिन थोड़ी मुश्किल पड़ी क्योंकि ये पुलिस को बार बार फ़ोन कर दे रहा था। तो हम लोग जा रहे थे अपने घर, लेकिन लेडी एम का फिर एक मेल आ गया कि इस बंदे को हंट करना है और उसको उसके पास जाकर पहुँचाना होगा। देखते हैं कौन है ये बंदा। लेडी एम लगता है हम लोग को रात को सोने नहीं देगी, रात भर काम करवाएगी। तो इस बार हम लोग को फिर से एक टकले को पकड़ना है, बंडी पहन के, क्या नाम है, जैकीज। तो चलते हैं इसको पकड़ने। और लेडी एम ने बोला है कि इसकी लोकेशन हम लोग के मैप में डाल दिया है, तो उस लोकेशन में चलते हैं और उसको पकड़ के लेडी एम को दे देते हैं फटाफट से। तो ये रही लोकेशन, इस एरिया में है। तो मार्क करते हैं और बढ़ते हैं इस लोकेशन की तरफ। तो पिछली बार की तरह कोई पागल तंकी बंदा ना आ जाए जिसकी वजह से पुलिस हम लोग के पीछे पड़ गई थी। तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग आ चुके हैं अपने एरिया, लोकेशन एरिया में, जिस एरिया में वो बंदा मिलेगा। तो देखते हैं वो किधर है, इधर तो कहीं दिख नहीं रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है।
इधर वो रहा, और वो शायद बैग पहन के भागने की सोच रहा है कि उसको लगता है किसी ने इन्फॉर्म पहले कर दिया था कि लेडी एम ने उसको पकड़ने के लिए बोला है। तो फटाफट इसको मारते हैं, ये लो लात, ये लो घुसे, और चल्ली से मेरी बात मानो वरना तुमको मार डालूंगा। तो ये मान गया मेरी बात, ठीक है मैं हार मानता हूँ और चलता हूँ तुम्हारे साथ लेडी एम के पास। तो इसको किसने बताया होगा कि हम लोग आ रहे हैं इसका हंट करने के लिए। तो बंदूक बंदूक दिखा के हड़का दिए, अगर भागेगा तो उसका टकला फोड़ दूंगा मैं। तो ये बोल दिया ठीक है मैं नहीं भागूंगा, चलते हैं, चलो चलते हैं लेडी एम के पास। हम लोग पहुंच चुके हैं लेडी एम के पास और इसको देते हैं, और लेडी एम से रिक्वेस्ट करते हैं आज के लिए बस इतना हो गया है, अब कल थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं कल आपका काम करूंगा। तो पहुंच गए लेडी एम के पास, पूरा बैग वैग के साथ भागने के लिए रेडी था ये बंदा। अच्छा और टाइम पे पहुंच गया। तो इसके भी हम लोग को लेडी एम ने $10,000 बहुत ईजिली से दे दिया और एक थैंक यू बोला कि हम लोग उसको सही टाइम पे उसको पकड़ लिए वरना ये भाग जाता। तो लेडी एम ने फाइनली बोल दिया कि ये लास्ट हम लोग का बाउंटी हंटिंग मिशन है, इसको करने के बाद वो हम लोग को एक गिफ्ट देगी, और गिफ्ट क्या रहेगा तो वो मुझे नहीं पता। तो जल्दी से इस मिशन को कंप्लीट करते हैं और गिफ्ट पाते हैं। तो हम लोग को इस बंदे को पकड़ना है और पकड़ के लेडी एम के पास ले जाना है। तो चलते हैं इसको पकड़ने, और इसकी लोकेशन लेडी एम ने पहले की तरह बोल दिया है कि तुम्हारे मैप में मैंने इसकी लोकेशन मार्क कर दिया, तो उन लोग को उधर जाना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं उसके पास और उसको बाउंड करते हैं, उसको मारते हैं 3-4 मुक्के लात और उसको पकड़ के लेडी एम को देते हैं। बातों बातों में हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, और किधर है वो बंदा उसको ढूंढते हैं, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, किधर छुपा हुआ है वो आदमी, जल्दी से मिल जा भाई, इधर पीछे नहीं है, शायद उस स्टॉल में होगा, इधर नहीं है। फटाफट उधर चलते हैं, मुझे लगा कि वो स्टॉल में, वो जो स्टॉल लगा था उधर ही वो बंदा होगा। तो ये रहा वो बंदा, ये रहा, और ये हम लोग को देखती हम लोग को अटैक करने के लिए आ गया है। तो उसको भी 3-4 से लात देते हैं और उसको कंट्रोल में करते हैं। ये मारो। तो इसने भी हार मान ली है कि मैं तैयार हूँ लेडी एम के पास जाने के लिए। तो इसको भी जल्दी से बंदूक दिखाते हैं, अगर कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हारा खोपड़ी खोल दूंगा। तो इसने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं साधारण सा एक ठेला वाला हूं। तो उसको बोला फटाफट गाड़ी में बैठो और चलो लेडी एम के पास। तो इसको भी जो लाश हंटिंग है इसको भी लेडी एम को देते हैं, और लेडी एम हम लोग को कितने डॉलर देंगी ये लास्ट मिशन के, और लेडी एम ने हम लोग को कहा था एक सरप्राइज गिफ्ट देगी, तो देखते हैं वो क्या गिफ्ट होता है। हर बार की तरह लेडी एम ने इस बार भी हम लोग को $10,000 दिए, और तो लेडी एम ने हम लोग को एक मैसेज भेजा है कि लास्ट जंप पर जो हम लोग को पहुँचाया उसके पास एक कोऑर्डिनेट्स है जिसको पाते ही एक ट्रेजर चेस्ट का कोऑर्डिनेट आता है। तो उस मैप में जाते हैं, ये रहा वो लोकेशन, सेलेक्ट करते हैं और जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पर, देखते हैं क्या ट्रेजर चेस्ट में हम लोग के लिए रहा है वहाँ पे। तो फटाफट से गाड़ी बैठते हैं अपने और निकलते हैं उसे उस जगह के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हम लोग को वो ट्रेजर चेस्ट मिलेगा जिसके अंदर क्या रहेगा हमको नहीं पता। तो वो रही बस उसी के अंदर होगा मेरे ख्याल से, चलते हैं हम लोग अंदर, और वो रहा बॉक्स हम लोग को दिख चुका है। तो उसको चलते हैं उसको ओपन करते हैं, और ओपन करते हम लोग को मिली एक स्टोन एक्स। इससे क्या करेंगे हम लोग स्टोन एक्स। तो ट्रेजर फाउंड, यू नाउ ओन द स्टोन हैचेस। ठीक है चलो देखते हैं ऐसे क्या होगा, किस कैसे इसे हम लोग पैसा कमाएंगे। तो गेट 25 किल्स विद द स्टोन हैचेस टू अनलॉक अ GTA रिवॉर्ड एंड एक्सक्लूसिव। ओके हम लोग को इस
एक से 25 किल करना होगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं जहाँ पे NPCs बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग आ चुके हैं बीच के एरिया में जहाँ पे NPCs बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फटाफट से मारना स्टार्ट करते हैं। ये लो एक गया और रैम्पेज स्टार्ट हो गया, रैम्पेज मोड स्टार्ट हो गया। तो हम लोग 25 मारने हैं टोटल। दो तीन बच्चे हुए हैं, इन लोग को मारते हैं और देखते हैं लोग कितने डॉलर मिलते हैं। ये गया और ये इसको भी मारे, तो इसको मार हम लोग को मिले 2.5 लाख डॉलर बहुत आराम से। बस अब पुलिस से बचना होगा, भागना होगा पुलिस से बचते हुए। पुलिस से बच के और कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग को कितने डॉलर मिले पूरे इस मिशन को कम्प्लीट करने के बाद। हम लोग का टोटल अर्निंग 3 लाख डॉलर हो चुकी है आराम से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए तरीके से कैसे हम लोग GTA 5 ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तब के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा।